दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी चैनल राजेंद्र शर्मा टिप्स में। आज मैं आपके लिए कुछ और नए शब्द लेकर आया हूँ। इन शब्दों की आपको अभी आउटलाइन बना के बताऊंगा, तो कृपया इस वीडियो को शुरू से एंड तक अवश्य देखिए। बहुत ही सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट शब्द मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। मैं अक्सर उन्हीं शब्दों को लाने की कोशिश करता हूँ जो आपकी डिक्टेशन में प्रयोग किए जाते हैं, और आपकी प्रैक्टिस कम होने की वजह से आप उन शब्दों को लिख नहीं पाते और आपकी डिक्टेशन छूट जाती है। आगे से आपको ये परेशानी ना आए। दोस्तों डिक्टेशन भी आपकी अच्छे से लिखे और गलतियाँ भी कम से कम आएँ, तो सबसे पहले मैं इन शब्दों को आपको बना के बता रहा हूँ, उसके बाद में आप इनकी प्रैक्टिस करना। सबसे पहला शब्द है आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इस तरह से लिखेंगे, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ये हो गया आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इसके बाद में है प्रतिनिधित्व करने वाला। इस तरह से बनाएंगे, प्रतिनिधित्व करने वाला, प्रतिनिधित्व करने वाला। आगे है सर्वोच्च नागरिक सम्मान। इस तरह से बनाएंगे, सर्वोच्च नागरिक सम्मान। हो गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान। इसके बाद में शब्द है उच्च स्तरीय जांच के आदेश। इस तरह से बनाएंगे, उच्च स्तरीय जांच के आदेश। हो गया उच्च स्तरीय जांच के आदेश। आगे है प्रारंभ किया जा सकता है। ऐसे बनाएंगे, प्रारंभ किया जा सकता है। हो गया प्रारंभ किया जा सकता है। इसी प्रकार से आगे हमारा शब्द है अभी संज्ञान में आया है कि। इसको लिखेंगे इस तरह से, अभी संज्ञान में आया है कि। हो गया अभी संज्ञान में आया है कि। इसके बाद में शब्द है निराकरण करने के लिए। इस प्रकार से बनाएंगे, निराकरण करने के लिए। इसके बाद में शब्द आएगा खाना पूर्ति कर रहे हैं। ऐसे बनाएंगे, खाना पूर्ति कर रहे हैं। बहुवचन हो गया, ये हो गया खाना पूर्ति कर रहे हैं। आगे हमारा शब्द है स्पष्टीकरण देने के लिए। इस तरह से बनाएंगे, स्पष्टीकरण देने और ये के लिए। ये हो गया स्पष्टीकरण देने के लिए। आगे शब्द है साक्ष्य प्रस्तुत कर चुका हूँ। ऐसे बनाएंगे, साक्ष्य प्रस्तुत कर चुका हूँ। ये हो गया साक्ष्य प्रस्तुत कर चुका हूँ। इसके बाद में शब्द है मनोवैज्ञानिक दबाव डालना। ऐसे बनाएंगे, मनोवैज्ञानिक दबाव डालना। ये हो गया मनोवैज्ञानिक दबाव डालना। इसके बाद में है उपस्थित किया जाता है। उपस्थित का शब्द चिन्ह, ऐसे उपस्थित किया जाता है। ये हो गया उपस्थित किया जाता है। आगे हमारा शब्द है अंतिम निर्णय करना। ऐसे बनाएंगे, अंतिम निर्णय और ये करना, अंतिम निर्णय करना। आगे शब्द आएगा बेरोजगारी की समस्या। इस प्रकार से बनाएंगे, बेरोजगारी की समस्या। ये हो गया बेरोजगारी की समस्या। इसके बाद में शब्द है प्रारंभ किया जा सकता है। प्रारंभ किया जा सकता है। ये हो गया प्रारंभ किया जा सकता है। आगे शब्द है हमारा वर्तमान शिक्षा प्रणाली। ऐसे बनाएंगे, वर्तमान शिक्षा
प्रणाली, वर्तमान शिक्षा प्रणाली। इसके बाद में शब्द है सरकारी कर्मचारियों के लिए, इस प्रकार से बनाएंगे, ये हो गया सरकारी कर्मचारियों और ये के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए। इसके बाद में शब्द आएगा निष्पक्ष रहना चाहिए, इस तरह से बनाएंगे निष्पक्ष रहना चाहिए, निष्पक्ष रहना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ शब्द थे जिनकी मैंने अभी आपको आउटलाइन बना के बताई हैं, इन आउटलाइनों की आप प्रैक्टिस करिए और इनको एक बार फिर से रिपीट करके बता देता हूँ जिससे कि आपको कहीं कोई परेशानी ना हो। आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इसके बाद में है प्रतिनिधित्व करने वाला, ये हो गया प्रतिनिधित्व करने वाला। इसके बाद में हमारा शब्द है सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इसको बनाएंगे सर्वोच्च नागरिक सम्मान। आगे हमारा शब्द आएगा उच्च स्तरीय जांच के आदेश, उच्च स्तरीय जांच के आदेश। इसके बाद में शब्द आएगा प्रारंभ किया जा सकता है, ये हो गया प्रारंभ किया जा सकता है। इसके बाद शब्द है अभी संज्ञान में आया है कि, ऐसे बनाएंगे अभी ये संज्ञान में आया है कि। इसी प्रकार से आगे शब्द आएगा निराकरण करने के लिए, ये हो गया निराकरण ये करने के लिए। इसके बाद में शब्द है खाना पूर्ति कर रहे हैं, खाना पूर्ति कर रहे हैं। इसके बाद में हमारा शब्द है स्पष्टीकरण देने के लिए, ये हो गया स्पष्टीकरण ये देने और के लिए, ना से इंडिकेट कर देंगे इसको। इसी प्रकार से आगे शब्द है साक्ष्य प्रस्तुत कर चुका हूँ, ये हो गया साक्ष्य प्रस्तुत कर चुका हूँ। इसी प्रकार से आगे शब्द है मनोवैज्ञानिक दबाव डालना, तो बनाएंगे मनोवैज्ञानिक दबाव डालना। इसके बाद शब्द आएगा उपस्थित किया जाता है, ये हो गया उपस्थित किया जाता है। इसके बाद में शब्द है अंतिम निर्णय करना, ये हो गया अंतिम निर्णय करना। आगे शब्द आएगा बेरोजगारी की समस्या, यह बनाएंगे बेरोजगारी की समस्या। इसके बाद शब्द आएगा प्रारंभ किया जा सकता है, हो गया प्रारंभ किया जा सकता है। इसी प्रकार से आगे है वर्तमान शिक्षा प्रणाली, यह बनाएंगे वर्तमान ये शिक्षा ये प्रणाली। इसके बाद में शब्द आएगा सरकारी कर्मचारियों के लिए, तो यहाँ आ गया सरकारी कर्मचारियों और के लिए, ला से इंडिकेट कर देंगे इसको। इसके बाद में लास्ट में है निष्पक्ष रहना चाहिए, ये हो गया निष्पक्ष ये रहना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ शब्द थे जिनकी मैंने आपको आउटलाइन बना के बताई हैं, इन आउटलाइनों की आप प्रैक्टिस करें। जितना आप अधिक आउटलाइनों की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको शॉर्ट हैंड भी लिखने में आसानी होगी, शॉर्ट हैंड की गलतियाँ भी आपकी कम आएंगी और स्पीड भी आपकी निश्चित ही बढ़ेगी। दोस्तों कहीं भी आपको शॉर्ट हैंड टाइपिंग से संबंधित कोई भी परेशानी है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर 9756825983 पर कॉन्टैक्ट करके या व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपनी आउटलाइनें बनवा सकते हैं या जो भी आपको परेशानी है पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे शॉर्ट हैंड टाइपिंग के वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।